जो कार हमारे पास एल्स इफ करके दे रहा है वही काम आपको स्विच करके देगा। मल्टीपल ऑप्शंस ये आपको ब्लिंक कराएगा बट सिलेक्शन ओनली वन। जब भी हमें कोई चॉइस प्रोवाइड करनी है तो चॉइस के लिए क्या मिलेगा हमें, स्विच केस। किसी रीजन से स्विच केस काम नहीं कर पा रहा है तो स्विच केस के बिहाफ पे चलाओ गया एल्स इफ। क्लियर? तो एल्स इफ से लाइट वेट होता है हमारा स्विच केस, यानी कि मल्टीपल कंडीशंस आपको ये ब्लिंक करके देगा बट सिलेक्शन एट अ टाइम एक का देगा। या कह सकते हो कि एक इंटरफेस मल्टीपल कंडीशन। क्लियर है? याद है किस चीज का? वो तो बाद में आएंगे, वो बाद में आएंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है। अभी वो चलते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक स्विच केस बनाते हैं। जैसे देखो, अब हमें फॉर एग्जांपल दो नंबर ऐड करने हैं। ठीक है, तो दो नंबर ऐड करने के लिए हमने क्या किया, दो वेरिएबल लिए। डेसिमल विजिबल है, यहाँ लिया हमने डेसिमल नम कोमा नम वन कोमा रिजल्ट। अब दो नंबर ऐड करने के लिए सिंपल दिया हमने कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर द फर्स्ट नंबर। यहां दिया नम इक्वल्स टू कन्वर्ट दिस, तो इंट को कर देते हैं हम डेसिमल। इसे कर लेते हैं कॉपी एंटर द सेकेंड नंबर और ये कर दिया दिस। अब दो नंबर एंटर करने के बाद हमने क्या किया, एक ऑप्शन दे दिया आपको, प्रेस ए टू ऐड करें स्लैश टी प्रेस थ्री टू या प्रेस बी टू सब्ट्रैक्ट करें स्लैश एन लाइन को ब्रेक मार प्रेस सी टू डिवाइड प्लस डी टू मल्टीप्लाई। क्लियर? यहां तक रन करते हैं प्रोग्राम को एक बार। यहां दिया दिस, आ गया हमारे पास। क्लियर? अब ये काम करने के लिए हम चाहें तो यहां पे अपना इफ एल्स इफ को कॉल कर सकते हैं। भाई यहाँ पे हम इतना सिंपल, इतना जो प्रीवियस पढ़ा है इफ इफ, अब यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए हमें चॉइस के लिए। तो हमने क्या किया, रिजल्ट को लाने से पहले लिया कैरेक्टर दिस और यहाँ पे दिया सी एच इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट दिस। अगर यही काम मैं इफ में करता तो इफ सी एच डबल इक्वल्स टू ए और ऑपरेटर या तो कैपिटल। क्लियर है यहां तक? सेम इसी तरीके से पूरा सिनेरियो चलाते हैं हम एल्स इफ, तो यहां पे आ जाता हमारे पास बी। इतना क्लियर है यहां तक? या कुछ पूछना है ये बताओ? इतना तो क्लियर है। ये काम मैं इफ और एल्स इफ के अंदर बड़े आराम से कर सकता हूं। और अगर मैं इफ के अंदर काम करता हूँ तो इफ क्या है, बहुत हैवी कंट्रोल है भाई। इफ के अंदर आप डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप कॉल कर सकते हो, एक से ज्यादा ऑपरेटर या एक से ज्यादा कंडीशन को कॉल कर सकते हो। बट अगर मैं अपने इंटरफेस को देखूं तो इंटरफेस क्या बोल रहा है, मुझे मल्टीपल कंडीशन की जरूरत नहीं है, आप सिंगल एक टाइप का इंटरफेस बना लो जिसमें ए बी सी टाइप हो जाए बस। क्लियर है यहां तक? तो हमने क्या किया, इफ की जगह यूज करा, देखो स्विच एक मेरे पास कीवर्ड है, जो काम एल्स इफ करके दे रहा है वही काम ये करके देगा। इसके अंदर गया, यहां पे डिक्लेयर करा वेरिएबल, जैसे ही आपने यहां पे सी एच डिक्लेयर करा तो स्विच केस की बाय डिफॉल्ट बॉडी का डाटा टाइप कौन सा हो जाएगा, करेक्टर। अगर आपने इसको इंटीजर में बना रखा है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर करैक्टर फ्लोट डेसिमल क्योंकि
किसी भी टाइप में आप स्विच को कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद इसकी बॉडी में आओ, अगर हमने करेक्टर यूज कर रखा है तो काम करोगे सिंगल कोड में, स्ट्रिंग चूज कर रखा है तो काम करोगे डबल कोड्स में, इंटीजर या डेसिमल वैल्यू है विदाउट कोड। क्लियर। तो स्विच के अंदर डिक्लेयर होते हैं केस, वहां पे था else if else if else if, तो else if की जगह आ गया केस, केस ए। और हर केस के अंदर क्या होना चाहिए, ब्रेक, नहीं तो प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर यहाँ पे आ जाता है तो हमने क्या किया, रिजल्ट इक्वल्स टू नम माइनस नम वन। केस बी, केस बनाने की कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहो उतने केसेस आप लोग बना सकते हो। मैंडेटरी है, अदरवाइज वो एरर आपको डिस्प्ले करके दे देगा। केस बनाने की कोई लिमिट नहीं है, इतना क्लियर है। क्लियर। स्विच कीवर्ड को कॉल करा, स्विच का डाटा टाइप क्या है, सीएच करेक्टर वेरिएबल, करेक्टर वेरिएबल है तो यूज सिंगल कोड, अगर ये स्ट्रिंग होता सी एच तो यहाँ पे डबल कोड्स, अगर सी एच इंटीजर होता तो विदाउट कोड। क्लियर है यहाँ तक। तो मल्टीपल केसेस आप लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। जो काम एल्स इफ में कर रहे थे वही काम स्विच में करोगे। फॉर एग्जाम्पल इफ का अगर बाय डिफॉल्ट मेमोरी अगर 4 MB की जाती है तो वहां पे स्विच केस 1 MB में ड्रा हो जाएगा, भाई मेमोरी का डिफरेंस है खाली। क्लियर। दूसरी चीज, इफ के अंदर आप मल्टीपल ऑपरेटर कॉल कर सकते थे बट केस के अंदर कोई भी ऑपरेटर आप नहीं लगा सकते। सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट, यानी कि अगर आपसे ये कह रहा है कि आपका जब भी कोई प्रोग्राम बना रहे हो 1% के लिए एल्स इफ, अगर किसी रीजन से ये प्रोग्राम स्विच में ड्रॉ नहीं हो पाता। अब जैसे मान लो एटीएम है, अब एटीएम में ए बी सी दे रखा है, अब ए बी सी एंटर कराने के लिए मुझे पता है सिर्फ एक ही अल्फाबेट जाएगा और चॉइस ही मुझे देनी है आपको, तो पहला प्रेफरेंस स्विच, क्योंकि स्विच इफ के अकॉर्डिंग बहुत लाइट वेट है। भाई इफ के अंदर जितने भी डिक्लेयर करोगे मिनिमम एक पैरामीटर ऑपरेटर के साथ, मैक्सिमम की कोई लिमिट है ही नहीं। स्विच क्या करेगा, डिक्लेयर ओनली वन पैरामीटर, मैक्सिमम का ऑप्शन ही नहीं दे रहा हूं मैं आप। क्लियर। और दूसरी चीज, इफ के अंदर लेस देन ग्रेटर देन कोई भी ऑपरेटर लगा सकते हो, स्विच के अंदर नहीं लगा सकते। स्विच को बेसिकली डिजाइन करा गया है सिर्फ चॉइस के लिए कि 4 में से कोई एक चूज कर लो, बस वन वैल्यू, यानी कि ये आपके पास पूरा मेन्यू, इसमें से कोई एक रिकॉर्ड एट अ टाइम चूज कर सकते हो। मैं इसके साथ में आपको एडिशनल ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, मैं आपको ऑप्शन ही नहीं दे रहा हूँ। वहां पे क्या होता था, और ऑपरेटर लगा के आप स्मॉल ए कैपिटल ए या और फुल यस लिख देते थे, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दूंगा। क्लियर है यहाँ तक। और दूसरी चीज, इफ का जो स्ट्रक्चर बनता है किसी भी डाटा टाइप में बना सकते हो, सेम डाटा टाइप के अंदर भी और मिक्स डाटा टाइप के अंदर भी, बट स्विच का जो स्ट्रक्चर बनता है किस टाइप का है, करेक्टर, तो पूरा करेक्टर में बनेगा। ऐसा नहीं है कि एक करेक्टर और एक इंटीजर ले लूं, या तो पूरा इंटीजर में बनाओगे, पूरा स्ट्रिंग में, या पूरा करेक्टर में, बट इफ की बॉडी एक करेक्टर एक इंटीजर एक डेसिमल मिक्स मोड में आप बना सकते हो। क्लियर है यहां तक। क्लियर है ऑनलाइन में। और अगर मैं इफ के अकॉर्डिंग इसे देखूं तो शायद एल्स इफ से ज्यादा इजी आपको ये बनाना लग रहा होगा। क्लियर क्लियर। यानी कि जब आपके पास कोई ऑप्शन अनेबल नहीं हो रहा कि भाई जो लॉजिकल पार्ट मैं बनाना चाहता हूं
वो इफ में काम, सॉरी स्विच में काम नहीं कर रहा, देन क्रिएट एल्स इफ। अब वहां पे लिख के आ ही गया कि आपको तो मल्टीपल ऑपरेटर भी कॉल करने हैं, उसमें चले जाना। क्लियर है यहां तक? क्लियर है ऑनलाइन में सबको? क्लियर है? यस सर। सर अगर हमको नेस्टिंग करनी है तो फिर स्विच बेटर होगा या इफ एल्स? नेस्टिंग, देखो ये बता, नेस्टिंग पार्ट सब में होगा, कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है कि नेस्टेड टूल मुझे बनाना है तो इफ ही पढ़ना पड़ेगा। नेस्टेड स्टेटमेंट आप पूरे सी शार्प में कहीं पर भी किसको भी कॉल कर दो, स्पेसिफिक किसी के लिए नहीं बनाई गई है। क्लियर है यहां तक? अगर आपको लगता है नेस्टेड चीज बनाने के लिए केस के अंदर इफ को एंटर कर दिया जाए तो केस के अंदर इफ डाल दो। अगर आपको लगता है कि इफ के अंदर स्विच केस बनाऊं तो इजी लगेगा, इफ के अंदर स्विच केस को बना दो। अगर आपको लगता है कि इफ के अंदर इफ इजी लगता है तो इफ बना दो। क्लियर? नेस्टेड स्टेटमेंट कहीं पर भी कॉल कर दो अगर आपका प्रोग्राम रेडी हो जाता है तो। कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं बनाई गई है कि इफ के अंदर इफ आएगा, स्विच के अंदर स्विच आएगा, जहां पे आपको इजी लगे प्रोग्राम और जहां पे कोड कम हो रीड करने के लिए। क्लियर? क्लियर ऑनलाइन में? तो हमने क्या किया, यहाँ पे गए, एक मैसेज डाल दिया, द रिजल्ट इज प्लस, हर बार कर देते हैं इसे पेस्ट, क्लियर। प्रोग्राम को करते हैं एग्जीक्यूट। रन करते हैं अगेन, 50 दिस, ए प्रेस करा, क्लियर। फिर रन करा प्रोग्राम, प्रेस कर दिया सी, फिर रन करा प्रोग्राम, कर दिया बी। क्लियर? काम ये उसी तरीके से करेगा आपके पास। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर है यहां तक? क्या कुछ पूछना है? अगर इनमें से कोई केस मैच नहीं होता, जैसे टी नाम से कोई केस नहीं बनाया, तो ये भी एल्स की तरह कुछ बोलेगा नहीं। और अगर आप चाहते हो किसी रीजन से केस मैच नहीं होता तो वहां पे होता था एल्स, तो एल्स की जगह यहां आ जाएगा डिफॉल्ट। और ब्रेक, क्लियर यहां तक? या कुछ पूछना है? क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन में कुछ पूछना है बताओ? क्लियर है यहां तक? ठीक यस सर। है। अब दूसरी चीज, अगर आप एल्स इफ में जाते तो हर एक के अंदर मुझे लिखना पड़ता, तो हमने क्या कर दिया, अगर आप स्विच में काम कर रहे हो तो लाइन ऑफ कोड को थोड़ा सा कर दो कम, सबसे हटा दो उसको, और इसको कर दिया मैंने लास्ट में। अगर यही काम होना है तो उसको डाल दिया स्विच के बाहर। क्लियर? प्लस माइनस डिवाइड जो करना है करता रहे, अगर ये हो जाता है भाई, सबके लिए कॉमन डाटा क्या है, रिजल्ट। सबके लिए कॉमन डाटा क्या है, रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या कह रहा है, अगर आप मुझे मेरी केस, मेरी स्विच की बॉडी से बाहर लिखते हो, मैं क्या हूं उसके लिए, एज अ लोकल रिजल्ट वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल को रन करने के लिए क्या स्टेटमेंट देते हो, क्या दोगे यहाँ पे बताओ? रिजल्ट है, यहाँ लिख देना खाली तुम, जीरो एरर हट गया। अगर लोकल वेरिएबल किसी स्ट्रक्चर के बाहर बनाते हो तो आपको मैंडेटरी है उसको कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड करना, वरना वो एज अ एरर आपको देता रहेगा, वार्निंग भी नहीं एरर देगा कुछ भी। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन सर। में? देखो मैं यहां से वैल्यू हटाता हूँ, हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर। एक मिनट, जैसे मैंने यहां से हटाया दिस, एरर आ गया नीचे, वार्निंग नहीं दे रहा, एरर दे रहा है। कह रहा आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर करा है वो किस टाइप का है, लोकल टाइप का, और लोकल टाइप के वेरिएबल को शायद आपने कोई वैल्यू असाइन
नहीं करी है, इसलिए मैं उसको रन नहीं होने दूंगा। क्लियर? तो हमने क्या कर दिया, इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू दे दे नेक्स्ट वाई जेड, और फिर करो उसको रन। क्लियर? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर, मैं ये पूछा था, तो मतलब ये एक क्वालिटी कही जा सकती है ना, कि मतलब जैसे इफ एल्स में हम लोग ये कंसोल राइट लाइन वाले को हर एक जगह मेंशन कर रहे थे, और ये स्विच केस में क्या किया, हमने सीधे उठा के फाइनली कर दिया, या ये एक तरीका था सर कि हम ऐसे भी कर ये सकते हैं? काम इफ उसके अंदर भी कर सकते हो, ठीक अच्छा है? काम दोनों सेम करेगा, बस ये है कि उसके अकॉर्डिंग इसको मैं ड्रॉ करूं। बहुत लाइट वेट है और बहुत नीट एंड क्लीन की तरह काम करेगा ये, बस। ठीक है, ठीक है सर, और कोई चेंजेस नहीं है उसके अंदर, और ठीक थोड़ा है लिखने का इसका प्रोसीजर थोड़ा इजी है। इतना ठीक है सर। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है? दूसरी चीज, अगर आप इसको ड्रॉ कर रहे हो तो ड्रॉ करते वक्त ऐसा कहीं मेंशन नहीं हो रहा है कि आपने इसे 2 नंबर के लिए यूज करा है तो सिर्फ 2 नंबर का ही काम करोगे। जैसे हमने क्या कर दिया, इसमें देखो एक केस मैंने और बना दिया, स्लैश एन, यहां कर दिया प्रेस ई। अगर प्रेस करते हो तो यहाँ पे आ गया अदर का ऑप्शन। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं ये काम कर रहा हूं तो यही हो, तो हमने क्या कर दिया, इसी के अंदर कर दिया ई, और यहाँ डाल दिया कंसोल डॉट राइट लाइन प्रेस F1 टू ओपन हेल्प, और इस हेल्प के अंदर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखा होगा मेरे इस कैलकुलेटर का। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि हमने इसे लॉजिकल पार्ट में बनाया तो सारे केसेस लॉजिकल पार्ट में। क्लियर? आप चाहो तो यहाँ पे अपना हेल्प की जगह अपना कॉल कर दो बीबी का पार्ट। ईच केस के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक को कॉल करा सकते हो। क्लियर? नहीं समझ आया तो डाल दिया हमने ई, दिस ई में आ गया रिजल्ट 0 लोकल वेरिएबल का, और यहां पर आ गया प्लीज सिलेक्ट, वो कैपिटल डाल दिया। रुको, दोबारा रन करते हैं। यहाँ पे दिया दिस, आ गया हमारे पास F1 प्रेस टू ओपन हेल्प। अगर कोई इश्यू या कुछ दिक्कत आ रही है तो आप F1 प्रेस करो, आपकी हेल्प ओपन हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? या अदर की जगह वहां पर डाल दो, ई प्रेस करते के साथ ही हेल्प ओपन हो जाए आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर ऑनलाइन में? क्लियर? यस सर। उसके बाद ये तो काम हो गया दिस। क्लियर? अब दूसरी चीज मेरे पास ये आती है यहाँ पे। अब जैसे मान लो आपको मंथ प्रिंट करने हैं, जनवरी फरवरी प्रिंट करना है, ठीक है? अब जनवरी फरवरी प्रिंट करने के लिए भी मेरे पास क्या है, एल्स इफ का ऑप्शन बड़ा इजी बना हुआ है। अब सेम ऑप्शन आप इसके अंदर भी कर सकते हो हमारे पास, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ डाल देते हैं हम जैसे, यार रुको उससे इजी फॉर्मेट रुको पहले देखने के लिए, एक बनाते हैं पहले हम वोवल का कि मल्टीपल केस में कैसे काम करेंगे। तो हमने यहाँ पे दिया वोवल के लिए देते हैं यहाँ पे कैरेक्टर, तो सबको हटाते हैं, इससे ज्यादा जूम करूंगा स्क्रीन के बाहर हो जाएगा ये, हटाएगा। हमने क्या किया यहाँ पे, लिया एक वेरिएबल, इसको चेंज कर देते हैं मैसेज को, एंटर एनी अल्फाबेट, यहाँ दिया स्विच, अब मेरे पास यहाँ डाल दिया अल्फाबेट के लिए केस ए, वॉवल है मेरे पास, ये डाल दिया दिस इज अ वॉवल। क्लियर? ये हो गया। ये सारे हो गए हमारे वॉवल। हमने क्या किया, 2 में अलग मैसेज और 3 में डिफरेंट मैसेज। इतना क्लियर? अब करके रखी।
तीन में सेम है ना, अभी समझ आ जाएगा, दो में डिफरेंट है। क्लियर? अगर इनमें से कुछ मैच नहीं होता, डिफॉल्ट क्या करे, ना डाल दिया कंसोनेंट, ठीक है, या नॉट अ वॉवल। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा, ए दिस इज अ वॉवल, आई दिस इज अ वॉवल, यू डाला हमने, दिस इज अ वॉवल। यू में क्या है, सिर्फ खाली वॉवल, इतना क्लियर। अब हमने क्या किया, यहाँ पे चेक करा। अब जब सबके अंदर सेम मैसेज है तो मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है। अगर इस मैसेज को मैं स्विच के बाहर लिखता हूँ तो सबके लिए बाय डिफॉल्ट सेम हो जाएगा, बट मैं क्या चाहता हूँ, कुछ सिलेक्टेड केस में डाटा ये डिस्प्ले करे और कुछ सिलेक्टेड केस में डाटा ये डिस्प्ले करे, अलग अलग डिस्प्ले करे, ठीक है। अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन आती है कि चार केस का मैसेज एक हो और बाकी का मैसेज डिफरेंट हो, तो उस केस में आपको मल्टीपल कंसोल लिखने की जरूरत नहीं है। क्या करो, अब जैसे टोटल ये तीनों का मैसेज सेम है बॉडी, इसको यहां से हटाओ, इसको भी यहां से हटाओ, क्लियर। ब्रेक को भी यहां से हटाओ। देखो अब मैं ए डालू, ई डालू, आई डालू, तीनों के लिए क्या सेम मैसेज, जब तक ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिलेगा तब तक प्रोग्राम स्टॉप नहीं होगा। क्लियर है ऑनलाइन में यहां तक? ये प्रोग्राम किसमें कन्वर्ट हो गया, और के अंदर, या तो ए मिल जाए, या तो ई मिल जाए, या तो आई मिल जाए। अगर यही काम इफ में करते तो पूरी स्टेटमेंट बनानी पड़ती, वेरिएबल, ऑपरेटर, फिर सिंगल कोड। ये प्रोग्राम अब बन चुका है। और का मतलब भाई ऐसे तो लिखते वहां पे, ऐसे करके बार बार इफ के अंदर, अब ये प्रोग्राम डिफाइन हो गया हमारा और के अंदर, या तो ए, या तो ई, या तो आई, तीनों के लिए सेम एक मैसेज, या तो ओ या तो यू, दोनों के लिए सेम मैसेज। क्लियर है यहां तक? तो यहाँ पे और लिखने का तरीका ऐसे, क्लियर। रन करते हैं, देखो ए लिखा वोवल, आई लिखा वोवल, फिर डाल दिया हमने यू, खाली वोवल। क्लियर है यहां तक? यानी कि अगर आप मल्टीपल केसेस को सिंगल एक बॉडी देना चाहते हो तो रिमूव ब्रेक स्टेटमेंट। क्लियर है यहां तक? आप चाहो तो कोई स्पेसिफिक मैसेज भी देना चाहते हो, देखो जैसे डाल दिया, क्लियर। जैसे ही मैंने कोई मैसेज लिखा एरर आना स्टार्ट हो गया। अगर आप मेरी सेपरेट कोई बॉडी डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको ब्रेक स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, मैंडेटरी है। क्लियर है यहां तक? तो हमें दिस, हमें इन तीनों की सेम एक ही बॉडी चाहिए। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया? और में कैसे कन्वर्ट करोगे इसे? क्लियर है ऑनलाइन में यहां तक? या कुछ कुछ पूछना है? नहीं सर, मतलब बस यही था कि जैसे हम वो चीज़ जो डिफाइन कर रहे हैं, तो हमने एआई को पूरा एज अ वॉवल डिसाइड कर दिया। जब भी हम स्क्रीन पे लिखेंगे तो वो चीज़ उसको डिस्प्ले कर देगा, हाँ है ना। ये करिए करेक्टर हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम इजी और एक नीट एंड क्लीन वाला आ गया। हाँ बस वहां पे और लगाते तो इफ वेरिएबल ऑपरेटर सिंगल कोड, फिर और वेरिएबल ऑपरेटर सिंगल कोड, तो इतना लेंदी प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं। अब आपको इसमें कैपिटल ए कैपिटल ई ये भी चाहिए, तो हमने क्या किया, क्लियर। ये अभी स्मॉल और कैपिटल दोनों पे काम करेंगे। अब चाहे तुम यहाँ पे कैपिटल डालो, चाहे यहाँ पे स्मॉल डालो, दोनों ऑप्शन और के अंदर आपके पास एग्जीक्यूट होंगे। ये देखो रन करते हैं, स्मॉल ई दिस इज अ वॉवल, कैपिटल ओ दिस, इनके अलावा डालता हूँ कुछ। क्लियर यहां तक? समझ आ गया या कुछ पूछना? बोलो, क्लियर है यहां तक? हाँ सर, ये
ये वाला पार्ट हो गया। अच्छा डिफॉल्ट वाला हम मेंशन कर रहे हैं तो वो उसी पार्ट को देगा, लेकिन अगर कुछ नहीं करें तो वो एरर शो कर देगा, है ना। एरर शो, इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा अल्फाबेट डालते हो तो शो डिफॉल्ट, एरर नहीं आएगा, डिफॉल्ट कॉल होगा। क्लियर यहां तक? स्विच केस समझ आ गया। अब ये तो बना था हमारा करेक्टर के अंदर, वैसा नहीं है कि इसको आप खाली सिर्फ इसी में बना सकते हो। मैं हल्का सा ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे एंटर एनी मंथ। अब मंथ के लिए हम J4 जनवरी, F4 फरवरी भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम ये तो ये काम कर लें, या फिर इसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। जैसे स्ट्रिंग है तो इसको यहाँ से मूव कर दो। तुमको छोटा सा प्रोग्राम दे देते हैं, दिस ये आ गया जैन, तो यहाँ डाल दिया हमने। क्लियर? तो इसको इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट, डेसिमल, स्ट्रिंग, किसी भी डाटा टाइप के अंदर आप ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इसको हम सिर्फ करेक्टर में ही बनाएं। क्लियर है यहाँ तक? जैसा केस आप ड्रॉ करना चाहते हो उसके हिसाब से आप यहाँ पे सिंगल कोट डबल कोट को यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? और इसके अंदर आप नेस्टेड इफ डिक्लेयर कर सकते हो, नेस्टेड स्विच डिक्लेयर कर सकते हो। क्लियर? अपनी कंडीशन के बेस पे जो भी आप कंफर्टेबल है वो आप नेस्टेड पार्ट इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? इतना क्लियर? अब जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, अगर जनवरी एंटर होता है तो हमने एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे, देखो इंट नम इक्वल्स टू 10। इसी में कंडीशन लगा दी, इफ इफ नम मॉड्यूल 2 रिमाइंडर अगर मेरा 0 आ जाता है तो प्रिंट कर दे इवन, नहीं तो एल्स प्रिंट कर दे और। ठीक है, रन करते हैं एक बार, एफ एल्स कॉल हो गया। क्लियर है यहां तक? आप चाहो इसके अंदर नेस्टेड इफ के अंदर ही एक और स्विच बनाना चाहते हो, ठीक है? तो हमने क्या कर दिया, स्विच कीवर्ड एक और लिख दिया, इसमें डाल दिया नाम। क्लियर? नम दे दिया। अब नम के अंदर केस डाल दिया, वैल्यू आती है जैसे हमारे पास 10। हेलो, क्लियर यहाँ तक? 10 तो बाय डिफॉल्ट डालूंगा, एंटर है इसके अंदर। तो पहले इफ कॉल करे, इफ के अंदर फिर स्विच कॉल करे, अगर 10 नहीं मिलता डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है, रन करते हैं एक बार। अब गलती चेंज कर दी वैल्यू हमने यहाँ पे, अब आ जाएगा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट डिफॉल्ट वाला तब एग्जीक्यूट होगा जब आपकी इफ कंडीशन के अंदर 10 के अलावा कुछ और आए। अब जब नम चलाऊंगा इवन होगा तभी तो इफ कंडीशन कॉल होगी। क्लियर? अदरवाइज ये कॉल नहीं होगी। तो उसके लिए इतना कर लो, करना ही है तो एक बार ही बताओ और डिक्लेयर कर दो, जे इक्वल्स टू 11। क्लियर? और यहाँ दे दिया दिस। अब ये क्या करेगा, 10 अगर मैं लिखता हूँ तो इफ के अंदर एंटर कर जाएगा, चेक करेगा। अब यहाँ पे केस 10 है, 11 तो है ही नहीं, तो दिखा देगा फाइव। क्लियर यहां तक? यानी कि नेस्टेड पार्ट आप लोग चाहो इफ के अंदर स्विच बनाओ, स्विच के अंदर इफ बनाओ, नेस्टेड बनाने की कोई लिमिट नहीं है। जहां पे आपको कंफर्टेबल लगे उतना डाटा इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन में कुछ पूछना है? हो जाएगा यहां तक?
इफ और स्विच बन जाएगा या कुछ पूछना है किसी को? बोलो। नहीं बस मतलब यही वाला पार्ट था कि अगर कोई बड़ा कंडीशन लगा रहे हैं तो इफ का यूज कर देंगे, और फिर उसके अंदर लाइट वेट के लिए स्विच वाला सीन पूरा इस्तेमाल हो सकता है। ठीक क्योंकि लार्ज अमाउंट में मान लो लॉजिकल पार्ट चल रहा है, डी भी चल रहा है, तो पहला प्रेफरेंस रहेगा इफ का। क्लियर? है सर। बाकी डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उसको डिजाइन करें। जरूरी नहीं है आपने फरवरी डाल दिया, अब फरवरी में आप लीप ईयर निकालना चाहते हो, तो इसके लिए तो स्विच बनेगा नहीं, इसके नहीं लिए तो इफ आएगा। तो केस आपने चला दिया स्विच के अंदर, और इसके अंदर इफ की कंडीशन कॉल करा दी कि लीप ईयर है या नहीं। क्लियर? ओके सर। तो नेस्टेड आप किसी को भी बना लो अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे, कोई स्पेसिफिक नहीं है इफ के अंदर इफ या इफ के अंदर स्विच। क्लियर? चलें आगे, जरा कुछ पूछना है। हो जाएगा इफ एल्स और स्विच केस। तो इसके अंदर अगर आपको क्रिएट करना हो अपना एटीएम का डेमो बन जाएगा। बेसिक पार्ट में बना लोगे ना स्विच केस और इफ को यूज करके, या नहीं बन पाएगा? बोलो। बन जाएगा ना? हाँ सर। हेलो सर, मुझे क्या लग रहा है ये थोड़ा सा एक लॉजिक पार्ट होगा, अगर दिक्कत करेगा, वरना एक बार बना के दिखा देंगे आपको, तो आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। बना के मैं दिखा दूंगा, एक बार ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में बना के दिखा दूंगा कहाँ ठीक पे है सर। इश्यू आता है, बस उस डाटा को रेडी कर लेना। ठीक है सर। एंड नेगेटिव वैल्यू ठीक है, कोई भी चार वैल्यू आप इसके अंदर एंटर करते रहो, और फाइंड करनी है उसमें से हमें हाईएस्ट रिकॉर्ड। रैंडमली कोई भी वैल्यू उसमें एंटर करते जाओ, ए बी सी डी, जो भी मिले उसे वो हाईएस्ट प्रिंट करके दे। क्लियर? लॉगिन डिटेल को प्रॉपर बना के देखना पूरा का पूरा, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से। ओटीपी सेक्शन को क्रिएट करना इसके अंदर। क्लियर? और ओटीपी सेक्शन कैसे क्रिएट करोगे? फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई आप मोबाइल नंबर डालते हो, सी शार्प का लॉजिक बनाओ, रेंडमली 2 डिजिट 3 डिजिट का पीछे ओटीपी बने, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो, फिर उस ओटीपी को आप डाल। क्लियर? ठीक ठीक है, कैलेंडर ड्रॉ करना है, आप इसके अंदर कैलेंडर भी बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। क्लियर? चलें आगे, या कुछ पूछना है? बन जाएगा, हाँ सर, ये वाले हम ट्राई कर लेते हैं एक बार। ठीक एक बार ट्राई करना, कोई इश्यू होगा तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, हो है सर। गया। चलो इतना क्लियर है यहाँ तक, चलें आगे। चलो अब इतना काम करने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट इसके अंदर आता है लूपिंग। पढ़ के आए हो या कुछ है? क्या होता है बोलो? है मतलब सर थोड़ा सा पढ़ा है, ये है कि लूप में क्या होता है कि अगर कोई कंडीशन को हमें बार बार रिपीट करना है, तो उसके लिए हम लूप वाला एक सीन यूज कर सकते हैं इसमें। मैं सेम डाटा सेम एक ही चीज को बार बार रिपीट करना हो तो यूज लूप। लूप के अंदर कोई कंडीशन का लेना देना नहीं है। क्लियर? एक ही लाइन को 100 बार प्रिंट करना हो आपको तो यूज लूप। क्लियर? तो ये काम करने के लिए कुछ कैटेगरी है इसके पास। पहली कैटेगरी कौन सी है? जैसे डू वाइल लूप। दूसरी कैटेगरी है हमारे पास फॉर लूप, और दूसरी आती है वाइल लूप, और तीसरी है हमारे पास फॉर लूप। इन तीनों कैटेगरी का काम सेम है, तीनों के अंदर आउटपुट सेम है, सिर्फ डिक्लेयर करने का स्ट्रक्चर डिफरेंट है बस। क्लियर है यहां तक? क्लियर ऑनलाइन में? अब इन तीनों के अंदर कॉमन क्या है? सबसे पहले
डिक्लेयर वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चेक द कंडीशन होनी चाहिए, और तीसरा प्रिंट रिकॉर्ड या प्रिंट डाटा, किसमें प्रिंट होगा, बॉडी। क्लियर? ये हमारे पास तीन चीज कॉमन है इन सबके अंदर। क्लियर है यहां तक? और यस तीनों सर। काम क्या है, प्रिंट द या रिपीटेशन ऑफ सेम डाटा। सबसे पहले हम यूज करते हैं डू व्हाइल लूप, ठीक है। अब बात करूं इसके अंदर, और यहां पे हो गई इसकी बॉडी। क्लियर है यहां तक? तो हम बॉडी की बात करें तो हमारे पास सिंपली देखो यहां दो इस तरीके से, क्लियर। तो डू का काम क्या होता है, सबसे पहले डू का काम होता है हमारे पास नंबर 3 प्रिंट द डाटा। क्लियर है यहां तक? डू का काम क्या होता है, प्रिंट द डाटा। और डू की बॉडी में डिस्प्ले होगा हमारे पास, सॉरी वो गलत डाल गया मेरे को, नहीं ये तो ठीक है। यहाँ दो डू के अंदर आ गया प्रिंट द डाटा, फिर आ गया चेक द कंडीशन दिस, और डिक्लेयर वेरिएबल तो बाय डिफॉल्ट नंबर 1 पे रहेगा ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक? हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंट नम इक्वल्स टू 10, कंडीशन डाली डू। अब यहाँ पे डाटा डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले करने के लिए यहाँ डाल दिया नम वैल्यू, और लास्ट में कॉल कर दी कंडीशन। भाई ट्रू का मतलब क्या रिटर्न करेगा, 1। भाई प्रोग्राम चलेगा तो 1 तो रिटर्न करेगा, करेगा प्रोग्राम को करा एग्जीक्यूट। क्लियर? अब ये क्या कर रहा है, एक ही डाटा को बार बार डिस्प्ले कर रहा है, रिपीटेशन ऑफ सेम डाटा। क्लियर? ना कभी 10 के पास 11 आएगा, ना कभी ये 9 होगा, तो कंडीशन स्टॉप होगी ही नहीं, तो एक ही रिकॉर्ड को बार बार ये डिस्प्ले करता रहेगा। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? तो यस सर, ठीक हमने क्या किया, इस कंडीशन को चेंज करा, हमने कहा लूप तो चला बट कब तक चला, नम क्लियर 10 से स्टार्ट कर और 20 पे जाके एंड कर, फिर रन करा, फिर भी सेम डाटा वही। भाई 10 के बाद कभी 11 होगा नहीं, तो 20 तक तो वैसे ही नहीं पहुंचेगा। क्लियर है यहां तक? तो अगर मुझे 10 के अंदर +1 करना हो तो कैसे करोगे? भाई हमें क्या करना है, भाई जो वैल्यू डिस्प्ले हो रही है इसमें इंक्रीमेंट करना होगा। यहाँ पे डिक्लेयर हुई, यहाँ पे प्रिंट चेक द कंडीशन, उसके लिए हमने लगा दिया अपने, क्लियर। 10 डिक्लेयर हुआ, फर्स्ट टाइम डिक्लेयर हो गया, प्रिंट करा नो इंक्रीमेंट, सेकंड टाइम क्या हुआ, 10 + 1 11, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तो वैसे कब तक प्रिंट करेगा, 10 11 12 13 प्रिंट करता चला जाएगा। जैसे ही प्रिंट करा इसने 20 20 + 1, सॉरी 21 हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, 21 < इक्वल टू, उसके बराबर भी नहीं है, उससे छोटा भी नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स। ठीक है यहाँ तक ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है ठीक है बोलो। ठीक है। डू डू वाल मतलब बस मैं यही कह रहा था कि डू वाल वाले में हमें कंडीशन एक तरह से दे सकते हैं कि ये लूप तब तक चलनी है जब तक कि ये ना हो जाए सीन। डू की बात करो, व्हाइल की बात करो, फॉर की बात करो, बिना कंडीशन के तीनों काम करेंगे ही नहीं। तीनों के अंदर मैंडेटरी है कंडीशन को कॉल करना, बस इतना हो सकता है सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, बट कंडीशन डिक्लेरेशन और प्रिंटिंग करना मैंडेटरी है, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है बस। क्लियर? ठीक है सर। बट उसको रिमूव आप नहीं कर सकते। अच्छा, इससे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब सॉरी डेटा स्ट्रक्चर कोडिंग वाले पार्ट पे कोई वैसा फर्क पड़ेगा नहीं है ना, जो नहीं, अगर हम ऊपर नीचे करते ये हैं। आपको तभी यूज करना है जैसे मान लो आप एटीएम मशीन में गए हो,
वहां पे आपने पूरी ट्रांजेक्शन पे काम कर लिया, वहां पे क्या करता है, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, क्लियर? तो आपके पास लूपिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। आप पासवर्ड आपने लॉग इन करा, लॉग इन करते वक्त एक अटेम्प्ट गलत, दो अटेम्प्ट गलत, तीसरा अटेम्प्ट गलत, चौथे अटेम्प्ट में क्या हो गया, योर अकाउंट इज लॉक, कॉन्टेक्ट टू कस्टमर केयर। तो किसका काम है, लूप का काम, यानी एक ही ठीक चीज को जहां पे बार बार चलाया जा रहा है और चेक करा जा रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट किसका होता है, लूप का। क्लियर है यहां तक? ठीक है और सर। लूप के अंदर इफ स्विच या किसी भी लूप को नेस्टेड बना सकते हो, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो, चाहे इफ के अंदर नेस्टेड लूप को बना दो आप। क्लियर है यहां तक? अब 3 बार मुझे लॉगिन पेज चलाना है, तो व्हाइल के अंदर क्या बन गया, इफ लूप के अंदर। क्लियर है यहां तक? यस सर। उसके बाद अब इसके अंदर इंक्रीमेंट आप एक बार करो या 2 बार करो, मर्जी हमारी है। नम इक्वल्स टू नम प्लस, क्लियर, 10 प्लस 2 12, 12 डिस्प्ले हुआ, फिर 13, क्लियर, 15 फिर डिस्प्ले हुआ, क्लियर है? देखो क्लियर, एक बार इंक्रीमेंट करो या 10 बार इंक्रीमेंट करो, मर्जी हमारी है। क्लियर है यहां तक? या कुछ पूछना है यस इसमें, हो जाएगा? कंडीशन पहले चेक हो रही है, बाद में हो रही है? अगर कंडीशन पहले चेक हो रही होती तो 20 पे रुक जाता, कंडीशन तो सबसे आखिरी में हो रही है ना, प्रिंटिंग करने के बाद। इसीलिए भाई डू व्हाइल लूप का यही एक ड्रॉबैक क्या है हमारे पास, कि कंडीशन मैच हो या ना हो, प्रोग्राम एक बार तो एग्जीक्यूट, 101 डाल दिया भाई, 101 डालने का मतलब डू के पास तो जाएगा ही जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, 103 डिस्प्ले हो गया, 104 कंडीशन हो गई फॉल्स। ये इसका ड्रॉबैक था, ये कंडीशन मैच हो या ना हो, प्रोग्राम एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन चेक हो रही है सबसे आखिरी में। क्लियर है यहां तक? या कुछ पूछना है? क्लियर, हाँ सर। समझ आ गया डू व्हाइल लूप? या कुछ पूछना है? नहीं सर ठीक है। क्लियर, या कुछ पूछना है ये बताओ। हाँ आपने तो 100 स्टेप बाय स्टेप चेक करो, डाटा जब चलता है टॉप टू बॉटम चलता है, पहली लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन में क्या हुआ, 101 प्लस 2 कितना हो गया, डिस्प्ले, फिर एक और हुआ 4, कंडीशन हो गई फॉल्स, बाय। क्लियर। लेकिन डू का ड्रॉबैक क्या है, जब तक कंडीशन सही है तब तक चलता रहूंगा, कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो एक बार तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा ही। क्लियर है यहां तक? क्लियर है ऑनलाइन में सबको? क्लियर है? यस सर। चलो फाइल में आपको करता हूँ शेयर।